आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत की जयंती है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश सिपाहियों के सामने निर्भीक खड़े हो गए थे। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके कोमल कंधों पर ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर पुलिस और सेना के आवागमन पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। 10 अक्टूबर सन 1938 की रात वहां कई पुलिस वाले और सैनिक आए और बाजी से नदी पार कराने को कहा, लेकिन 12 वर्ष के बालक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने उनके सिर पर बंदूक के बट से हमला किया, इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। फिर भी बालक बाजी डरे नहीं और उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिससे गांव वाले सचेत हो गए। सर से काफी खून बह जाने के कारण उसी रात बाजी राउत का निधन हो गया। शत्रु रात का खेली थी होरी। बालक राउत की बहादुरी और देशभक्ति पर प्रसिद्ध उड़िया कवि सच्ची राउत राय ने बोटमैन कविता लिखी।